चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। उसने 20 मिनट में चंद्रमा के अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। 5:30 पर शुरुआत में रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:44 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की। तब इसकी चंद्रमा से दूरी 3 किलोमीटर रह गई थी। आखिरकार लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला चौथा देश भारत बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को ही ये कामयाबी मिली है। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। धूल का गुब्बार शांत होने के बाद ये बाहर आएगा और इसमें करीब 1:50 का समय लगेगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी को भेजेंगे। लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at 0 velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary, Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Lander module पूरी तरह से safely और softly. Thank you, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate program director, Kalpana, and the mission operations director, Srikant. And the satellite was built at your Rao Satellite Center, Shankaran, the director. इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंदा मामा के दूर के नहीं, एक टूर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि क्षण भारत के सामर्थ्य का है। यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृत काल में अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया है। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नए इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। पहले कहा जाता था कि चंदा मामा बहुत दूर के हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे कहेंगे चंदा मामा बस टूर के हैं। अरे परिवारजनों,
जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेत। कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, ऑन दिस जॉयस ओकेजन आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ एवरी कंट्री एंड रीजन। इंडिया सक्सेसफुल मून मिशन इज नॉट जस्ट इंडिया अलोन। This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity. And it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond.